बनाते हैं बटर पेपर से, जिसको बैगिंग बोलते हैं। और अभी आपके एक्सपेरिमेंट में जो वैरायटी लगी हुई है वो कौन सी है? सर बहुत सारी, मेरे फील्ड में 23 ट्रीटमेंट लगे है। आपका वैशाली हो गया, शीघ्र हो गया, पूसा दीपाली हो गया, ऐसी बहुत सारी वैरायटी है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है पवन साहू सर का फील्ड, जिसमें कॉलीफ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन के लिए आज आए हुए हैं। चलिए तो फिर एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं कि करना क्या रहता है। इस तरीके से ये फोर्सेप का यूज़ करते हुए जो बड के स्टेज में फ्लावर मौजूद है उसके पीटल्स को अलग करते हैं और उसे खोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये एंथर है, अगर मैं सही हूँ तो सर। ये ऐसे ऐसे ये एंथर ही है, 6 एंथर पाया जाता है इसमें। अच्छा, इसको आप आसानी से फोर्सेप से निकाल सकते हैं। तो टोटल हमें कितने एंथर्स की ज़रूरत पड़ती है? क्या होता है, इसको क्रश करते हैं, आगे क्रश करने के बाद ब्रश से स्टिग्मा में डस्ट कराते हैं। अच्छा, तो आप जितना हो सके निकाल लीजिए। मतलब जब हमें पॉलन ग्रेन्स मिल जाता है तो इतने सारे फ्लावर्स हैं इसमें, सब में सेपरेटली डस्ट करना पड़ता है? यस, पूरा जितना बर्ड सिलेक्ट किए हैं उसमें करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा रहेगा जो फ्लावरिंग स्टेज रहेगा उसको सीजर से आप कट कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही मेहनत वाला प्रोसेस है। बहुत ही ज़्यादा। इसका कोई ऐसा आसान तरीका नहीं होता कि पॉलिनेशन करने के लिए जैसे ऊपर से स्प्रे कर दें, उससे क्या सक्सेस हो पाएगा? ये बर्ड पॉलिनेशन इसलिए करा रहे हैं, सेल्फिंग करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सेल्फिंग कराने से क्या होगा, उसी वैरायटी का अपने को क्या मिलेगा, सीड मिलेगा। हाँ, और जैसे कि ओपन छोड़ देंगे तो दूसरे वैरायटी का एंथर पोलन ग्रेन आके इसमें क्रॉस हो जाएगा, तो जो हमको चाहिए खुद का उसी का प्लांट का सीड, तो ऐसे में नहीं मिल पाएगा हमें। अच्छा, जैसे अगर अभी हम पॉलन कलेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली किसी स्प्रेयर की मदद से स्प्रे कर दें और बाद में हम बैगिंग कर दें, नहीं हो सकता ना। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन से डॉक्टर अशोक जाटवर, वो भी इस काम में पवन सर का मदद कर रहे हैं। हेलो, हाय फ्रेंड्स, देखना रिव्यू और थोड़ा सा तैयारी करना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और जितना ज़्यादा हो इस फील्ड और पवन साहू के द्वारा किया गया जो दिया गया नॉलेज है उसको ग्रहण करो। धन्यवाद।